शूटिंग तो अभी थोड़ा कम, पहले से परसेंटेज कम है, लेकिन अभी वेदर भी अच्छा है और आदमी लोग भी आए हैं। तो इवनिंग अभी मैं बूथ में इंक्वायरी किया तो 36% हुआ है, अभी 12:30 हुआ है लेकिन 36% हुआ है, ये बूथ बढ़ेगा। सो इसे इन्हें कंप्लेन किया कि 50 बूथ इन दार्जिलिंग वो कंप्लेन हुआ, इन्वेस्टिगेशन होगा, कंप्लेन हुआ है कई बूथ पे हम लोग का आदमी को बैठने नहीं दिया है। मे भी अभी सुनारे में आ रहा था जो जो गोपाल नामा का अपना बूथ है वहाँ पे हम लोग का जो एजेंट है उनको थ्रेटनिंग करके भगा दिया है। तो ऐसा छुटपुट का घटना चल रहा है, ECI इज टेकिंग नोटिस, वो नोटिस ले रहा है और रिपोलिंग भी हो सकता है कई बूथ पे अगर नोटिस अगर कंप्लेन सही ठहराया गया। तो आप कितना आशावादी इस वोट पे? 100%, ये तो सब औपचारिकता है। 4 तारीख को मतपेटी खुलेगा तो हम पूरी तरह से विजय होंगे और अगली बार से भी इस बार और ज़्यादा वोट से लेकर हम जीतेंगे। ये तो मार्जिन कितना डिफरेंस आएगा इस बार? मार्जिन मैं बोला हूँ 5 लाख के पार होगा, इंडिया में 4 लाख, जो 400 से ऊपर होगा और दार्जिलिंग हमारा पार्लियामेंट्री सीट में हम लोग 5 लाख से ऊपर करेंगे। इस पर क्या बीबी बच गए इफेक्ट नहीं करेगा? कोई फैक्टर नहीं है, वो फर्स्ट होगा लास्ट से, मैं पहले बोल रहा हूँ, नीचे से गिनती करेगा तो वो नीचे से फर्स्ट हो जाएगा।